बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ज़फ़र शेख और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ेड के वॉइस ऑफ पीस। और इस वक्त जनाब हम कोपेनहेगन एयरपोर्ट पे हैं और अपने दोस्तों को जनाब मैं छोड़ने आया हूँ। तो मैं ये चाह रहा था कि आपको ये वीलॉग आपको दिखाएं और इसमें कुछ एयरपोर्ट के हवाले से और दोस्तों के हवाले से बताएँ। सावर साहब जनाब हमारे साथ हैं, सावर साहब पाकिस्तान जा रहे हैं, उनके साथ मुस्तफ़ा मेहर साहब भी हैं। तो ये आपको दिखाएंगे जनाब एयरपोर्ट का मनाजर भी। जी मज़ा नाजरीन, तो ये जनाब कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर हम मौजूद हैं, सावर साहब और मेहर साहब, मुस्तफ़ा मेहर साहब पाकिस्तान के लिए जनाब रवाना हो रहे हैं। और मैं परेशान हो रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं जा रहा। ये परेशान जनाब, ये परेशान इसलिए भी हो रहे हैं कि सावर साहब जो 13 साल बाद पाकिस्तान जा रहे हैं, यही परेशानी है। ये भी परेशानी है। शेख साहब अभी हो गया है, 2 महीने हुए, 3 महीने। अच्छा जी जी, 2 महीने हुए हैं, मैं 2 महीने के लिए गया था। अच्छा सावर साहब, क्या आप वहाँ क्या करने जा रहे हैं? वक्त का पता नहीं चला, 13 साल कैसे गुजर गए। बेसिकली जो मेरा जो मेरा जहन बनाया हुआ, इसलिए जा रहा हूँ कि अपने माँ बाप को मिलने, बाकी मैंने कुछ नहीं करना। बाकी अच्छा, बाकी पाकिस्तान से एक मोहब्बत तो है, लेकिन अभी माँ बाप को मिले हुए काफ़ी अर्सा हो गया, तो स्पेशल उनको मिलने जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा मेहर साहब, आप तो खैर हर साल जाते हैं और जाते भी लंबे अरसे के लिए, इस दफ़ा आपके क्या जनाब मंसूबा है या क्या करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह अपना कंट्री है, आप सोच जाना है, जड़े हमारे उधर हैं, हम बच्चे उधर हैं, सब कुछ उधर है। लेकिन यहाँ तो हम आते हैं काम करने के लिए, काम किया आप पाकिस्तान चले गए। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जनाब इंशाल्लाह इमरान खान को सपोर्ट करने जा रहे हैं, और इन चोरों को वहाँ भी जाके गालियाँ देंगे और सब लोग देखेंगे। और इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो लाजमी इमरान खान का जहाँ भी जलसा होगा इंशाल्लाह वहाँ वहाँ शिरकत भी लाजमी। मैं तो पीटी का कारकुन हूँ ना, मैं तो इंशाल्लाह जलसे में बाकी इलेक्शन भी लड़ेंगे, इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे, कैंपेन करेंगे इलेक्शन में। ठीक है ना। ठीक है। अच्छा मैं साहब, पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं लाइक करता हूँ गर्मी। और वहाँ ये है कि लोड शेडिंग भी कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत के जनाब मेहरबानी से लोड शेडिंग भी ख़त्म होने जा रही है, अल्लाह करे ऐसे ही हो। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर आपने फेस करनी है। सावर साहब तो ये जैसे ये कह रहे थे कि मेरे लिए गर्मी तो बहुत बड़ी मुश्किल है, लेकिन अब मसला ये है कि मैं 13 साल बाद जा रहा हूँ, बच्चा सारा जब यहाँ पे आया, मैं तो इस मौसम का आदमी हूँ, और वहाँ पे जाके अब मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सर्वाइव कर सकूँगा। देखते हैं वहाँ जाके क्या। चले ये है कि आप जा रहे हैं वतन, और मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। और जब आप पाकिस्तान पहुँचे अपने जनाब वतन में, तो वहाँ जनाब मेरी तरफ से भी पाकिस्तान आप याद रखेंगे इंशाल्लाह, आप पाकिस्तान को जाके आपका सलाम देंगे, सब यहाँ पे जो लोग हैं उनकी तरफ से सलाम देंगे, आप फिक्र न करें इंशाल्लाह। आपसे रब्ता रहेगा शेख साहब, ठीक है ना। चलें, अल्लाह करे, अल्लाह करे खैर तो इतना लाभ तो पहुँचे, और दुआ जाकर भी फिर आपसे रब्ता मैं करूँगा, क्योंकि वहाँ भी वो नेट का सिस्टम है। तो जी मज़ा नाजिन, तो ये एयरपोर्ट से हम ये जनाब वीला कर रहे हैं, और ये दोस्त दोनों खैरियत से अल्लाह ताला करे खैरियत से पहुँचे पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाकर फिर ये पाकिस्तान में अपने इंजॉय करें अपने वालदैन के साथ और अपने दोस्तों के साथ। तो कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो एयरपोर्ट भी ये इस वक्त हो। जी जनाब, अभी तक हम एयरपोर्ट पे हैं और अपने दोस्तों को सी ऑफ करने आए थे, उन्होंने अपने सारी क्लियरेंस कर दी है, सामान की भी बोर्डिंग कार्ड उनको मिल चुके हैं। तो अभी हम जनाब वापस अपने घरों में जा रहे हैं, अल्लाह ताला इन दोस्तों को खैरियत से पहुंचाए वहाँ। दिल परेशान तो होता है कि जब दोस्त को जाता है पाकिस्तान, तो लेकिन ये है कि फिर जी मज़ा नाज़रीन, तो ये देखें कोपेनहेगन एयरपोर्ट पे ये एक उन्होंने एक मॉडल बनाया हुआ है जहाज़ का, और बच्चे यहाँ आते हैं इसको देख कर इंजॉय भी करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ये बनाया हुआ है ये, और खूबसूरत लगता है, खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं कितने बच्चे यहाँ आए हुए हैं अपने वालदैन के साथ, और इस पर चढ़ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं।